हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मेरे हस्बैंड के बर्थडे का ब्लॉग। मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, तो मैंने मेरे हस्बैंड को सरप्राइज़ दिया था। और ये 10 तारीख का वीडियो है, मतलब कल का। मैं वॉइस ओवर आज कर रही हूँ, तो कल इनका बर्थडे था, तो मैंने इनके लिए सरप्राइज केक रखा था। इनको खुद नहीं पता था, इन्होंने भी नहीं सोचा था कि मैंने इनके लिए भी सरप्राइज प्लान करके रखा हुआ है। मैंने इनको बताया भी नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं बताया था। हाँ, इनके लिए गिफ्ट मैंने दे दिया था दोपहर में ही। गिफ्ट का मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि मैं इनको गिफ्ट दे रही थी, मैं खुद भी बिजी थी, तो इसलिए नहीं दे पाई। तो यहाँ केक कर चुके थे, मेरे को केक खिला रहे थे, चाकू भी लिए थे, तो वही मैंने बोला चाकू से भी खिलाओगे क्या? तो बस थोड़े हंसी मजाक हो रहे थे, तो मैंने इनको केक खिलाया। इनको मैंने लगा भी दिया, थोड़ा सा मना कर रहे थे, मैंने बोला थोड़ा सा लगा देती हूँ, तो मैंने लगा दिया था। और यहाँ पर मैं किसी को बोली नहीं थी, बस इनके ये दोस्त हैं, इनका मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू कि इन्होंने सरप्राइज में मेरा साथ दिया। और आज एक जगह और भी बर्थडे था इनके दोस्त के बेटे का, वहाँ भी जाना था, तो इसलिए बस ऐसे ही थोड़ा सा ही मैंने पार्टी किया। तो मुझे अच्छा लगता है थोड़ी थोड़ी खुशियों को सेलिब्रेट करना, सरप्राइज करना। तो बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है ना, क्या है ना कि सबकी सोच अलग होती है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। दुनिया में सब अगर एक जैसे सोचने लगे तो फिर क्या रह जाए? इसलिए सबको, किसी किसी को पसंद होता है, किसी किसी को नहीं होता है। तो सब लोगों का अपना अपना विचार है, अपनी अपनी सोच है, कोई बात नहीं, जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकता है। तो मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लिया। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा ब्लॉग। इनको भी बिल्कुल कुछ नहीं पता था, मैंने केक पहले से ही ला के रख दिया था। मैं सोच रही थी कि शुरू से रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन क्या था ना, अगर शुरू से करती तो इनको पता चल जाता, इसलिए मैंने नहीं किया, बस थोड़ा सा किया। तो ये यहाँ पर हम लोग आ गए थे शाम को बाबू के बर्थडे में, इनके दोस्त के बेटे का बर्थडे। ये खड़ा है, छोटू सा है, बहुत प्यारा सा है, 3 ईयर का है, खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा, उसका केक आया था। तो बच्चे हैं ना, बच्चों को कुछ बच्चों के साथ सेलिब्रेट करो उनका बर्थडे, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो वो भी बहुत खुश हो रहा था। तो उसी दिन दोनों साथ में पड़ गया, नहीं तो इनके लिए मैं और भी बहुत ज़्यादा करती सोची थी मैं, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, जो भी किया मैंने उतने में ही बहुत अच्छा लगा। किसी को सरप्राइज़ दो तो वो बात ही अलग रहती है, उसकी खुशी ही अलग रहती है, बता के करो तो लगता है कि हाँ पता है, और अचानक से करो सरप्राइज़ दो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए, बाबू का केक कट होने वाला था, तो बाबू केक कट करके अभी खूब डांस करेगा, देखिएगा आप लोग, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही चंचल है। तो ये मैंने पास से दिखा दिया, केक भी बहुत अच्छा था। तो एक्चुअली ना, मैंने भी केक मंगाया था, तो यहाँ पे भी हो गया, तो मेरे हस्बैंड दो दो बार केक कट कर लिए थे, यहाँ भी केक कट कर दिए थे। तो ये बाबू केक कट कर रहा है, अभी केक कट करके हम लोग बर्थडे विश कर रहे थे, तो क्लैपिंग कर रहे थे, तो वो भी क्लैपिंग करके खूब डांस कर रहा था। तो ये देखिए, कैंडल, मैजिक कैंडल थी, तो बार बार फूंक रहा था, तो फिर जलने लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए डांस कर रहा है, देखिए क्लैपिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। बच्चे हैं ना तो अच्छा लगता है। तो आप लोग भी देखिए, एंजॉय करिए और बताइएगा कैसा लगा ब्लॉग। और छोटू सा ब्लॉग है, तो जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर टच कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर अभी केक कट भी हो गया था, बाबू खुद से ही केक अपने मुंह में लगा रहा था, आप लोग देख सकते हैं। इसको लगा कि सब लोग लगाएंगे, तो इससे अच्छा मैं ही लगा लेता हूँ, चाकू उसमें लेके केक अपने मुंह में खूब लगा ले रहा था खुद से ही। तो यही था छोटा सा सेलिब्रेशन, दो दो सेलिब्रेशन हो गया। तो ये मेरे हस्बैंड हैं, अभी ये भी केक कट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर, ये भी इनको भी बोला गया था, नहीं जा रहे थे, बट सब लोगों ने बोला, तो ये भी जाके केक कट किए। तो मैंने इनको भी टीका वगैरह लगाया था, टीका वगैरह का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई अच्छे से बिल्कुल भी। तो ये देखिए केक कट हो गया था। तो अभी मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड।